चुनाव में करीब 3 करोड़ जितने युवा वोटर्स हैं, ये ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बीजेपी के अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी का शासन नहीं देखा है गुजरात के अंदर। ये वो युवा है जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, और ये ऐसे युवा है जो सवाल पूछ रहे हैं कि 27 साल में गुजरात में विकास हुआ तो कितना हुआ, 27 साल का हिसाब भी मांगते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ऋत्विज पटेल और इंद्रविजय सिंह भाई, ये दोनों का मैं आज तक में स्वागत करती हूँ। मेरा पहला सवाल सत्ता पार्टी बीजेपी से है। ऋत्विज भाई, आपसे से ही पूछना चाहती हूँ कि 27 साल में, और अगर पिछले एक साल की बात की जाए, तो बहुत आंदोलन गांधीनगर ने देखे और ये सारे आंदोलन युवा आंदोलन थे। युवा अगर आपकी पार्टी को वोट दे तो क्यों दे? देखिए, युवा गुजरात को पिछले 27 सालों से देख रहा है। आपने सच बताया कि एक पूरी पीढ़ी ऐसी है कि जिसने गुजरात में कांग्रेस का शासन नहीं देखा। जब से वो पैदा हुए, समझने लगे, तब से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। रोजगार देने में पूरे देश में गुजरात प्रथम नंबर पर है। सबसे कम बेरोजगारी का दर, मैं ये अपने आंकड़े नहीं बता रहा, जो इंडियन गवर्नमेंट के आंकड़े हैं वो बता रहा हूँ। जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, तब भी यही फिगर थे कि सबसे कम बेरोजगारी का दर जो है वो 2% गुजरात में है। पूरे देश में जितने भी स्टार्टअप हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो स्टार्टअप इंडिया का स्वप्न है, तो पूरे स्टार्टअप्स जो अभी काम कर रहे हैं इस देश में, उसमें से 50% जितने स्टार्टअप गुजरात से हैं। यानी गुजरात के युवाओं को हर एक क्षेत्र में रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सभी क्षेत्रों में वो अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। आपने ये भी बताया कि गुजरात में पिछले कई महीनों में परीक्षाओं को लेकर या फिर अन्य अपनी डिमांड को लेकर आंदोलन भी हुए, लेकिन गुजरात सरकार ये बिल्कुल मानती है कि अपने कर्मचारियों के लिए, अपने युवाओं के लिए अगर कोई बात है तो उनके साथ संवाद करके उसका हल कर सकते हैं। तो उसी क्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया, उन्होंने इन युवा आंदोलनकारियों से बात की और सभी को संतुष्ट हो उस प्रकार के निर्णय भी गुजरात सरकार ने किए। चुनाव डिक्लेयर होने के काफी दिन पहले, अगर आप देखें, अगर आपके संज्ञान में हो, तो गुजरात में कोई भी आंदोलन नहीं चल रहा था। यानी कि थोड़ा बहुत मनमुटाव था, वो भी कहीं ना कहीं हमने हल किया। दूसरा अहम मुद्दा, क्यों युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, उसका जो महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि 27 सालों में गुजरात के युवा ने कर्फ्यू नहीं देखा है। कर्फ्यू नहीं देखा है, लेकिन सवाल यहाँ पे यह भी खड़ा होता है कि आंदोलन हुए और पुलिस के जरिए भी कई जगह पे दमन किया गया, सहमत है आप? क्या कहेंगे बीजेपी सरकार को लेकर? गुजरात में आज 40 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार है। गुजरात के अंदर फिक्स स्केल हो, आउटसोर्सिंग हो, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो, उसके माध्यम से गुजरात राज्य के युवाओं का सिर्फ और सिर्फ शोषण होता है। बात होती है रोजगारी के, गुजरात राज्य के युवाओं को हमने रोजगारी दी, ये बात इस हद तक सही है कि जिसने कभी जिंदगी में क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा था वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन चुका है, तो उसको जरूर रोजगारी मिली है। रोजगारी की बात है तो ये बात सही है कि जो 8वीं फेल है वो गुजरात राज्य का होम मिनिस्टर बनकर बैठा है, तो उसको रोजगारी जरूर मिली है। गुजरात का जो युवा है वो आज भी संघर्ष कर रहा है। गुजरात राज्य का जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन के अंदर जो बेरोजगारी का दर बढ़ा है उसके खिलाफ आज आंदोलन करने में लगा हुआ है। गुजरात राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कोई युवा रोजगारी प्राप्त करने के अंदर लिए कोई एग्जाम देना चाहता है तो पेपर उसका लीक हो जाता है, वो भी एक बार नहीं लीक होता, 28 बार पेपर लीक हो जाता है। उसके ऊपर सरकार कोई कड़े कानून नहीं लागू करती है, कोई कड़े कदम नहीं उठाती है। तो ये बात सही है कि गुजरात राज्य में कुछ युवाओं को रोजगार मिला है, लेकिन जो गुजरात का सामान्य युवा है वो आज भी संघर्ष कर रहा है। आज भी युवा संघर्ष कर रहा है ऋत्विज भाई, और चुनावी बात की जाए तो चुनाव अनाउंस होने के करीब 1 घंटे पहले तलाटी मंत्री के लिए एग्जाम की तारीखों का अनाउंसमेंट हुआ। 29 लाख लोगों ने ये फॉर्म भरा है।
तलाटी मंत्री के लिए 29 लाख लोगों ने ये फॉर्म भरा है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इतने साल में सरकारी जो रोजगार क्रिएट करने था वो नहीं कर पाई है युवाओं के लिए? नहीं गोपी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई सरकारी भर्ती आती है, आप तो गुजरात से हैं और गुजरात की मेंटालिटी को बहुत अच्छी तरीके से आप समझती है कि युवाओं में सरकारी नौकरी का एक क्रेज रहता है। कोई भी नौकरी अगर निकलती है और उसके लिए आवेदन पत्र दिए जाते हैं तो जितने आवेदन पत्र आते हैं वो सबके सब बेरोजगार हैं, ऐसा कहना गलत होगा। जैसे कि मैं अगर डॉक्टर हूँ, मैं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ और अगर कोई सरकारी डॉक्टर की भर्ती आ रही है और मैंने वो फॉर्म भरा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं घर पे बैठा हूँ, कोई कुछ कमा नहीं रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ युवाओं का एक स्वप्न होता है कि नौकरी अगर करनी है तो सरकारी करनी है, इस वजह से एक लगाव सरकारी नौकरी के प्रति रहता है। दूसरा, 29 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, नहीं 29 लाख लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो वो 29 के 29 लाख बेरोजगार हैं, ये कहना गलत होगा, मेरा ये कहना है। और सामने मैं आपको ये भी बताऊं कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में 2 महीने से ये काम चल रहा है और 10 महीनों तक आने वाले 10 महीनों तक ये काम चलने वाला है। हर महीने 75,000 से 1,00,000 युवाओं को, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, नौकरी दी जा रही है। गुजरात में भी वो प्रक्रिया चालू है, लेकिन ये कोड ऑफ कंडक्ट के वजह से अभी ये प्रक्रिया गुजरात में नहीं है। तो आने वाले 10 महीनों में पूरे देश में 10 लाख रोजगारी देने का काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब की सरकार अभी कर रही है। दूसरा, मेरे मित्र इंद्र विजय सिंह जी ने बताया, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि BCCI के सेक्रेटरी जय भाई की उन्होंने बात की, तो वो भी अलग अलग जिम्मेदारी को निभाते हुए क्रिकेट एसोसिएशन और क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और तभी सर्वसम्मति से वो वहां पर पहुंचे हैं, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने हमारे मित्र हर्ष भाई जो देश के गुजरात राज्य के गृह मंत्री हैं, वो तीसरी बार के MLA हैं, सबसे यंगेस्ट MLA 2012, 26 साल के थे तब वो चुनाव लड़े। फिर अलग अलग हमारी संगठनात्मक जिम्मेदारियों को निभाते हुए और साथ में अपने विधायक बनते रहते हुए विस्तार में गुजरात का उन्होंने नेतृत्व किया और आप देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से बखूबी गुजरात के गृह मंत्री के तौर पर वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तब कांग्रेस के पास जब मुद्दे नहीं हैं तो ऐसे निम्न कक्षा के आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। मेरे आगे जब आपने बात मेरे को बताई थी तब मैंने कहा था कि गुजरात के युवा ने कर्फ्यू नहीं देखा है। पिछले जब कांग्रेस का शासन था 300 में से 200 दिन इस गुजरात में लोगों ने कर्फ्यू देखा है। गुजरात के शहर वहां के गुंडों के नाम से पहचाने जाते थे। आज यहां पर गोपी जी नवरात्रि अभी गई, हम सब उस बात को स्वीकार करेंगे कि रात को 3-3, 4-4 बजे तक हमारी बहनें, हमारी माताएं रोड पर घूमती हैं, कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये सफलता भी आपको स्वीकार करनी होगी, ये मेरा कहना है। आप सहमत है? ये बात करते हैं कर्फ्यू की, मैं बात करता हूँ करप्शन और कमीशन की। गुजरात राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल से हफ्ताखोरी राज चला रही है। गुजरात में दारूबंदी सिर्फ नाम की रह चुकी है। सरकार के सभी अधिकारी जो है ज्यादातर भ्रष्ट है। उनके कमीशन के बारे में अवार नवार रोज बरोज छापा में न्यूज़पेपर में मीडिया में आता रहता है। गुजरात के युवाओं की बात करें, पेपर लीक की हमने अभी बात की, 40 लाख युवाओं की बेरोजगारी की बात की। आज गुजरात के अंदर एक जमाना था पहले उड़ता पंजाब जिसको बोला जाता था, आज उड़ता गुजरात बोला जाए इस प्रकार की परिस्थिति होती है। 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा रकम का ड्रग्स गुजरात के विभिन्न पोर्ट से पकड़ा जाता है, एक बार भी वहां पर पूछपरछ नहीं होती है। तो गुजरात की युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाए, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं है। लेकिन गुजरात का युवा सवाल जा तो आप भी कर सकते हैं ना, हमने किया अभी भाई, मैंने आपको स्टूडेंट टाइम से देखा है, सड़क पे क्यों नहीं उतरते? अगर इतना ही विरोध है तो कांग्रेस क्यों सड़क पे नहीं? युवा परिवर्तन यात्रा लेकर यूथ कांग्रेस पूरे गुजरात में सड़क पर उतरी है गोपी जी। 30 जिलों में हम लोगों ने यात्रा निकाली है, हजारों की समर्थन में युवा हमारे साथ जुड़े हैं। अंबाजी से उमरगाम लेकर और सोमनाथ से सुईगाम, एक जिला बाकी नहीं रखा है और कोई जिला ऐसा नहीं है जहां हजारों छात्र रोड पर ना निकले हो और कांग्रेस पार्टी को समर्थन ना किया हो और भारतीय जनता पार्टी का विरोध ना किया हो। सवाल यहां पे ये आता है, पेपर फूटता है, कांग्रेस की ओर से कुछ नहीं आता है। पेपर फूटता है, आपसे भी सवाल करती हूँ, 18 पेपर फूटे हैं,
आपकी सरकार में ये पेपर फूटे हैं, इतने पेपर क्यों फूट रहे हैं, पूरी सिस्टम को क्यों इतना करप्ट बना दिया है आप लोगों ने? देखिए, इंद्र विजय सिंह बोल रहे थे कि हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप वो बता रहे थे। आज तक पिछले 27 सालों में एक भी मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो तो वो मुझे बता दे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो रोज उनके मंत्रियों का नाम भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं मामले में आता था। आज केंद्र में माननीय मोदी साहब की सरकार हो या गुजरात में माननीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब की सरकार हो, इन दोनों सरकारों में एक मंत्री ऐसा या एक वाक्य ऐसा मुझे बता दीजिए कि जिसमें गुजरात सरकार के कोई मंत्री, विधायक या नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, नंबर एक। नंबर दो, वो बता रहे थे कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर का, ड्रग्स का उन्होंने बताया, तो प्रोएक्टिव होकर गुजरात गवर्नमेंट, जिसका गुजरात का सबसे लंबा जो दरिया किनारा है वहां से अगर गुजरात का कोई ट्रांजिट रूट के हिसाब से उपयोग कर रहा है तो उनको रोकना और ड्रग्स पकड़ना, ये कौन सी गलत बात है? पूरे देश में माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह साहब के नेतृत्व में, एक ही मिनट मैं अपनी बात खत्म कर लूं, पूरे देश में माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह साहब के नेतृत्व में ड्रग्स के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अमल हो रहा है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर बहुत ही कड़काई के साथ हम ड्रग्स को पकड़ रहे हैं, ये हमारी सेंट्रल पॉलिसी है। तो उसी तर्ज पर माननीय हर संघवी के नेतृत्व में अगर गुजरात में ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, वो ड्रग्स युवाओं तक पहुंचे उससे पहले सी रूट में जाके, दरिया के बीच में जाके अगर हमारे एटीएस और पुलिस के जवान, कोस्ट गार्ड के जवान ड्रग्स पकड़ रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन सवाल मेरा तो इंद्र विजय जी से यही सीधा प्रश्न है कि ड्रग्स पकड़ रहे हैं, युवा को बर्बाद होने से बचा रहे हैं, तो उस मुहिम में तो आप युवा नेता हैं, आपको जुड़ना चाहिए, उसे राजनीति का मुद्दा क्यों बना रहे? लेकिन सवाल यह है ना कि पहले भी भाजपा की ही सरकार थी, भाजपा ही यहाँ पे इतने सालों से, पहले गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा थे, तब भी हुआ है, ड्रग्स नहीं पकड़ा गया, तब भी हुआ है, अरे तब भी ड्रग्स पकड़ा गया था, तब भी हमारी नारकोटिक्स को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ही थी। लेकिन अभी एक मुहिम चल रही है क्योंकि उस समय पे इतना ट्रांजिट रूट के तहत उपयोग नहीं होता था, लेकिन बाद में महाराष्ट्र हो, अन्य राज्यों में जो ड्रग्स सप्लाई करने के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों से जहां से भी ड्रग्स आता है, वो अगर गुजरात का ट्रांजिट रूट के तौर पर उपयोग करना चाहते हैं तो गुजरात की सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ काम कर रही है और ड्रग्स को पकड़ रही है, ये अभिनंदन की बात है। ये आप अभिनंदन देते हैं, लेकिन शराब पी के 170 लोग मर जाते हैं तब क्या करेंगे? तब भी हमने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से ही काम किया है। जो जिम्मेदार थे उनको जेल के सलाखों के पीछे हमने डाल दिया है, जो वहां के पुलिस ऑफिसर थे जिनकी जिम्मेदारी फिक्स हुई थी उनका भी तबादला करके उनके ऊपर भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई है। तो ऐसे कोई भी हादसा होते हैं तो उसे रोकने के लिए और एक एग्जाम्पल सेट हो, उस प्रकार की कड़क कार्यवाही गुजरात सरकार करती है। बोटाद में जो लट्ठा कांड हुआ वो गुजरात में पहली बार नहीं है, उससे पहले अहमदाबाद में भी लट्ठा कांड हुआ था, वहां भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके बाद बोटाद में यह लट्ठा कांड हुआ, वहां 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, तक्षशिला कांड हम सब जानते हैं, सूरत में फायर सेफ्टी ना होने की वजह से कई बच्चों को कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी, हम सब जानते हैं कि मोरबी में जो ब्रिज की अभी हालत हुई, जो दीवाल घड़ियाल बनाते थे उसको ब्रिज बनाने का काम दिया, वो भी एक कोबांड था। गुजरात राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नलिया के सेक्स कांड को लेकर अनेक ऐसे कांड है जो आज गुजरात की जनता बोल रही है कि कांग्रेस ना काम बोले से और भाजपा ना कांड बोले से, ये भारतीय जनता पार्टी कांडों की सरकार है। गुजरात राज्य में बोलताते हैं कि हमारा कोई मंत्री भ्रष्टाचार में नहीं पकड़ा गया है, क्या परसोत्तम सोलंकी के ऊपर जांच नहीं चल रही है? बोल रहे हमारा कोई मंत्री भ्रष्टाचार में नहीं पकड़ा गया है, क्या राजेंद्र त्रिवेदी और पूर्णेश मोदी का नाम नहीं आया था, क्यों हटाना पड़ा उसको? अगर भ्रष्टाचार के लिप्त उसके मंत्री और एमएलए नहीं थे तो क्यों पूरा मंत्रिमंडल का तबादला एक रात के अंदर करना पड़ा? ये भी गुजरात की जनता को बताना पड़ेगा। देखिए मेरे दोस्त बता रहे हैं, हमने यानी हमारे सरकार ने, आप देखेंगे गोपी जी, आप भी बहुत लंबे समय से गुजरात में हैं, एक नया एग्जाम्पल सेट किया कि नई पीढ़ी को अवसर मिले और पुराने जो हमारे नेता हैं उनके अनुभव का लाभ भी मिले। इन दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए एक नया मंत्रिमंडल आया और आपने देखा भी कि किस प्रकार से कैडर बेस पार्टी में अनुशासन के तहत
ये पूरा एक्सेप्ट हो गया, ये परिवर्तन को स्वीकार भी किया। उनमें से काफी लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं, काफी लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो भी आज भारतीय जनता पार्टी एक मत होकर एक दिशा में प्रचंड बहुमत के तरफ बहुत ही मजबूताई से आगे बढ़ रही है। लेकिन उसके सामने बरसों से एक ही परिवार के इर्द गिर्द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तर्ज पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी में आप देख रहे हैं कि एक अध्यक्ष बनाना था, पहले तो उनके अध्यक्ष बदलते ही नहीं थे, राहुल गांधी जी इस्तीफा देते थे, सोनिया गांधी जी आती थी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी आते थे, और बाद में तो पिछले कई सालों से ये इंटरिम पोस्ट थी, वहां पर भी उनके अध्यक्ष बनाने के लिए जो कुछ भी ड्रामा हुआ वो हमने देखा है। राजस्थान में भी जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने जो सत्ता के लिए खींचतान की वो हमने देखी है। तो कांग्रेस तो हमें नहीं सिखाए कि अनुशासन क्या होता है, हमने एक भी भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से एक भी मंत्री को घर नहीं बिठाया। आज उनमें से काफी लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं, काफी लोग चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये खड़ा होता है कि रातों रात राजेंद्र त्रिवेदी के पास से डिपार्टमेंट क्यों ले लिया गया, जब रेवेन्यू मिनिस्ट्री में अगर गड़बड़ी लगी थी तो नहीं, आप गोपी जी देखिए कि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में कामों की कार्यभार दिया जाता है, तो उसमें अगर कोई फेरफार करना है तो उस वो मुख्यमंत्री के परव्यू में आता, उनका आबादित अधिकार है। राजेंद्र त्रिवेदी जी का जब भी डिपार्टमेंट बदला गया, गोपी जी जब भी डिपार्टमेंट बदला गया ऐसा तो नहीं था कि उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया, एक डिपार्टमेंट का काम थोड़ा बदल के दूसरे मंत्री को दिया, तो उसमें तो मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई वजह थी तो वो वजह अगर आप जानते हो तो लानी चाहिए सामने, ऐसा तो कोई रीजन नहीं था। अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, अगर कोई असंतुष्टि हो तो वो कांग्रेस को बाहर लानी चाहिए थी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो अब जब गुजरात एक मत होकर हमारे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों के साथ, हमारे मोदी साहब, हमारे अमित भाई शाह साहब के नेतृत्व में, भूपेंद्र भाई पटेल साहब, सी आर पाटिल साहब के नेतृत्व में, जब हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, प्रजा के बीच में जा रहे हैं, प्रजा ने 27 साल के जो हमारे डबल इंजन सरकार के काम है उस पर मंजूरी की मोहर मारी है, हम वो जनता का प्रचंड प्रतिसाद लोगों की आंखों में देख रहे हैं, और कांग्रेस को जिस प्रकार से नकारात्मकता मिल रही है, कांग्रेस को लोग स्वीकार करने से अभी भी तैयार नहीं है, तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में हार की वजह से कांग्रेस के पास जब मुद्दे नहीं है तब ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। देखिए जनता जब सब जानती है, 2017 में 78 आपके विधायक आए थे और आज हालत यह है कि 20 आपके विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ही जा चुके हैं। गोपी जी इस बात का भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले उन्होंने बात की डबल इंजन की सरकार की, उसका मैं जवाब देता हूं। ये डबल इंजन की सरकार इतनी तेजी से विकास का काम कर रही है और विकास का मॉडल इतना बेहतरीन है इनका कि जहां पर हॉस्पिटल है वहां पर डॉक्टर नहीं है। इस डबल इंजन के मॉडल में इतना तेजी से काम होता है कि जहां पर स्कूल है वहां पर टीचर्स नहीं है, तो ये उनका विकास का मॉडल है। दूसरा, उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार हमारी आगे ताकत से बढ़ रही है। डबल इंजन हमेशा ऐसे वाहनों में होता है जो हवा में उड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी हवा में उड़ रही है, जो जमीन पर चलते हैं ऐसे जो वाहन होते हैं वो सिंगल इंजन से लेकिन चलते हैं। सिंगल इंजन में कांग्रेस में भी कहां दम है, ये बताइए ना, कांग्रेस पे क्या क्या देख के लोग वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी हवा में उड़ने वाली सरकार को जमीन पर लाने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं लेकिन गुजरात की जनता इस बार करेगी। आपका जो सवाल था, विधायक चले गए, आपका जो सवाल था उसी पर मैं आ रहा हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर और गुजरात के अंदर चार पहियों के ऊपर चल रही है। चार पहियों में दो पहिए हैं सीबीआई और ईडी के। कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने अगर सवाल करता है तो कैसे सीबीआई के माध्यम से उसको डराना है, कैसे ईडी के माध्यम से उसको डराना है, झूठे मुकदमे दाखिल करके उसको कैसे फंसाना है, ये प्रैक्टिस गुजरात राज्य में और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की फल फूल रही है। इन दो, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप, इन दो पहियों के ऊपर भी उनको लग रहा है कि हम सरकार नहीं चला पा रहे हैं, तो सरकार चलाने के लिए दो नए पहिए इन लोगों ने अभी तैयार किए हैं और ये दो नए पहिए इन लोगों के हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल। इन चार पहियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन गुजरात की जनता इनको अब जान चुकी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 20 करोड़ से ज्यादा
सभ्य संख्या भारतीय जनता पार्टी की है और गुजरात में 27 सालों से जब भारतीय जनता पार्टी का शासन हो और जिस प्रकार से माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास की एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा है, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। ये अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात कर रहे हैं तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि सबसे पहली बार अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में सरकार बनाई तो उसका समर्थन करने वाले यही लोग थे। इन लोगों के साथ समर्थन में रहकर इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई, फिर उनका पत्ता कट हो गया, वो अलग बात है। तो उसी प्रकार से हमें कोई ओवैसी की भी जरूरत नहीं है, हमें कोई केजरीवाल की भी जरूरत नहीं है। हम तो सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशक पार्टी है। समाज के हर एक तबके के लोग, वो पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर एक पिछड़े लोगों की आवाज को बुलंद करते हुए, सब लोगों को साथ में चलते हुए हम शासन भी कर रहे हैं और हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। सत्ता कभी भी हमारे लिए अंतिम लक्ष्य नहीं है, सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है। और 27 साल पहले का गुजरात, मैं तो आज की युवा पीढ़ी को यह कहना चाहूंगा कि अपने घर में जाके अपने दादाजी से पूछे कि 27 साल पहले गुजरात क्या था और 27 सालों में गुजरात क्या हुआ है। यह फर्क बहुत ही साफ है। गुजरात में कभी भी थर्ड फ्रंट को स्वीकार नहीं किया गया है, तो ये जो भी बात बताएं, लेकिन ये उनकी ही ABCD टीम है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सत्ता में आने के लिए कोई भी टीम की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार हमारी सीट के नंबर भी बढ़ेंगे, हमारे वोट शेयर भी बढ़ेंगे और हर एक सीट पर हमारे जीत का मार्जिन भी बढ़ने वाला है, ये जनता ने तय कर लिया है। एक चीज बताइए कि गुजरात में जब विकास की बात होती है तो आप 27 साल पहले के गुजरात को, कांग्रेस के शासन को कैसे याद करवा सकते हैं? 27 साल से आपकी सरकार है, 27 साल से अगर आप कहते हैं कि 27 साल पहले स्कूल नहीं बनाए तो 27 साल आपने शासन किया, आपने स्कूल क्यों नहीं बनवाए? नहीं, हमने बहुत कुछ काम किए हैं। आप देखिए कि पहले सिर्फ गुजरात में 8 या 10 मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी, आज 5,700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं। पहले 8 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, अभी 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है। पहले सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं हुआ करते थे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करते थे, आज हर एक सरकारी स्कूल स्मार्ट स्कूल बन चुका है। आप देखेंगे कि हम जहां पर खड़े हैं, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्मार्ट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लाइन लगी हुई है। लोग अपने प्राइवेट स्कूलों में से सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं, वो भी वास्तविकता है। और इन 27 सालों में हेल्थ के सेक्टर में जो काम हुआ है, मेडिकल कॉलेजेस हुए हैं, हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहे हैं, आयुष्मान भारत कार्ड तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मां अमृतम कार्ड के द्वारा हर एक परिवार को उस समय 3 लाख तक की सारवार फ्री होती थी, अभी 5 लाख रुपए तक की सारवार सरकारी अस्पतालों में तो फ्री होता ही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी ये आयुष्मान भारत का कार्ड लेके जाइए, साल में 5 लाख रुपए तक की सारवार मुफ्त हो रही है, क्या इसको आप उपलब्धि नहीं गिनेंगे? आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ऋत्विज भाई जो कहते हैं उनकी बात से सहमत हूं, उपलब्धि गिनेंगे, लेकिन क्या उपलब्धि? 10 मेडिकल गुजरात में थे कांग्रेस के शासन में, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे। इन्होंने ज्यादा कॉलेज बनाए, सेल्फ फाइनेंस बनाए और जो गवर्नमेंट कॉलेज थे उनको भी सेल्फ फाइनेंस कर दिया। जो आदमी 50,000 रुपए में डॉक्टर बनता था उसको आज 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अहमदाबाद की बात करो, NHL हॉस्पिटल की बात हो, अदाणी को भुज का हॉस्पिटल दे दिया, सूरत का कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल था उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, यूनिवर्सिटी ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हमने गुजरात राज्य में इतनी यूनिवर्सिटी बनाई। कांग्रेस के शासन में जो भी यूनिवर्सिटी बनी थी वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इन्होंने दुकान शॉप ओपन करके रख दिए गुजरात में जगह जगह पर, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटियां बनाकर, जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक कमरे के अंदर पूरी यूनिवर्सिटी चलती है। शिक्षा की बात करें तो आज गुजरात के विभिन्न स्कूलों के अंदर 18,000 से ज्यादा टीचर्स की कमी है, सरकार उसकी भर्ती नहीं कर रही है। अब कॉलेजेस की बात करें, हायर एजुकेशन की, 98 के बाद पिछले 25 साल में गुजरात के एक भी कॉलेज में लेक्चरर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, गुजरात के एक भी कॉलेज में पिछले 25 साल से नॉन टीचिंग स्टाफ की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। गुजरात में लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरियन नहीं है,
डॉक्टर है तो हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, ये गुजरात का मॉडल। और बात करते हैं 27 साल पहले की, 27 साल पहले पूरे गुजरात के अंदर 150 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक कांग्रेस के शासन के अंदर बनी है। 27 साल पहले पूरे गुजरात के अंदर सिविल हॉस्पिटल हो बड़े बड़े जिलों के अंदर या ब्लॉक लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कांग्रेस के शासन में बने हैं। 27 साल पहले की बात करते हैं, कच्छ से लेकर उमरगाम तक गुजरात का 1600 किलोमीटर का जो कोस्टल बेल्ट है जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है, कांग्रेस ने उसके ऊपर पोरबंदर हो, कंडला हो, अलग अलग जगह पर नए पोर्ट बनाए और विश्व के साथ भारत को व्यापार में जोड़ने का प्रयत्न किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसी पोर्ट के ऊपर ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल है और 27 साल पहले का कांग्रेस का विकास का मॉडल मैंने बताया वो है। क्या कहना है आपका, ये 27 साल के विकास के मॉडल पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, ये विकास के मॉडल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो मेरे को तो उनको इतना ही पूछना है कि आपको रिवर फ्रंट नहीं दिखता है अहमदाबाद का, वो क्या विकास नहीं है? रिवर फ्रंट नहीं, नहीं, मैं, रोजगार देता नहीं, है क्या? नहीं, मैं सभी बता रहा हूँ। रोजगार के लिए क्या गोपी जी, रोजगार के लिए हमारी बात हो चुकी कि हर एक महीने 1,00,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार देने का काम हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, आज मुद्रा योजना के तहत मैं पिछले साल के आंकड़े बता रहा हूं, 8 करोड़ से ज्यादा युवाओं को 10,00,000 रुपए की लोन देने वाली ये नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है। तो इस हिसाब से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भूपेंद्र भाई पटेल जी की सरकार ने काम किया है और उसी काम को तो आज गुजरात की प्रजा स्वीकृत कर रही है। 2017 में हम जीते, 2019 में 26 में से 26 लोकसभा बैठक हम जीते, उसके बाद 9 जितनी विधानसभा के बाई इलेक्शन आए, ज्यादातर उसमें से कांग्रेस की सीटें थी, ज्यादातर वो सारी सीटें हम जीते। स्थानिक स्वराज के इलेक्शन आए, सारी जिला पंचायत हम जीते, बाहुल्य तालुका पंचायत हम जीते, नगर पालिका हम जीते, लास्ट में गांधीनगर महानगर पालिका का जो इलेक्शन हुआ उनका एक कैंडिडेट जीता कांग्रेस का, सिर्फ एक, और हमें लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, आज तक न मिली हो उस प्रकार की विक्ट्री हमने गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी की। जो कोऑपरेटिव सेक्टर की बात कर रहे हैं, पूरे गुजरात में 40 जितनी कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं उनमें से 32 संस्थाओं का चुनाव हुआ। हम अपने मैंडेट पे हमारे उम्मीदवारों को सहकारी संस्था में चुनाव में उतारा, 32 के 32 संस्थाओं में हमारा विजय हुआ, कांग्रेस को वहां पे नकार दिया गया। तो यहां पर मेरे साथी कुछ भी बोले लेकिन जब लिटमस टेस्ट आता है, चुनाव में लोगों के बीच जाके जब परफॉर्म करने की बात आती है, लोग कांग्रेस को नकार देते हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्वीकार करते हैं। और यही मैंने आपको दिखाया कि 2017 से ले लीजिए, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2017 से 22 तक जितने चुनाव आए उतने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, कांग्रेस की करारी हार हुई। और इस बार भी आप याद रखना गोपी जी, आज तक न मिली हो वैसी करारी हार कांग्रेस को मिलेगी और आज तक न मिली हो वैसी प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, चुनाव नजदीक है, नतीजा 8 तारीख को सबके सामने होगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, और सीटों का एनालिसिस भी होगा कि आखिर क्या नतीजा होता है, कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि परसेंटेज में देखने जाए तो पिछली बार नतीजा बहुत नेक टू नेक रहा था। आप दोनों का शुक्रिया।